मध्य प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में ग्वालियर जिले के भितरवार में दो दिवसीय विधायक कप खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता में कबड्डी और खो खो के लिए महिला पुरुष की टीम शामिल होगी, जिसमें विजेता टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के शुभारंभ मुख्य अतिथि SDOP जितेंद्र नगाइच, नायब तहसीलदार राकेश वर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष महावीर सिंह यादव ने विधि विधान से माँ सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर विधायक कप का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? विधायक कप विधानसभा का एक पूरे विधानसभा का खेल का कार्यक्रम है। इसमें वॉलीबॉल बालक वर्ग और महिला खो खो वर्ग रखा गया है। आज कार्यक्रम का शुभारंभ है, जो कि यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और नायब तहसीलदार जी द्वारा किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि खेल में हमेशा हमेशा लोगों को हिस्सेदारी लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के लेना चाहिए, क्योंकि खेल ही एक ऐसा जीवन का वो है कि जिसकी वजह से हमारा मानसिक शारीरिक दोनों चीज़ें स्वस्थ रहती हैं। और खेल के प्रति हमेशा आदमी को जागरूक रहना चाहिए, इससे जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़े। कितनी टीमें भाग ले रही, कितने दिन का? 12 टीमें वॉलीबॉल की हैं और 7 टीमें खो खो की हैं महिला वर्ग की। कल भी ये कार्यक्रम 29 तारीख को भी इसका फाइनल है, और कल भी ये कार्यक्रम यहाँ चलेगा, जिसमें माननीय लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री विधायक जी उपस्थित रहेंगे। आज चूँकि वो क्षेत्र में, इसलिए माननीय SDOP द्वारा और नायब तहसीलदार जी हमारे मंच पर उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में। विधायक कब का उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे इस मामले? ठीक है, सुबह भितरवार में काली माता के प्रांगण में जो विधायक वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, स्फूर्ति रहती है, सामाजिक समरसता बढ़ती है, और इसके अलावा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और सर्वांगीण विकास में खेल सहायक होते हैं। जो आयोजन विधायक जी और विधायक कप द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही शानदार आयोजन है, और सबको इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और सभी लोग जो इस आयोजन कर रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।